भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली द्वारा महाराष्ट्र की ऑरेंज सिटी नागपुर में 3 दिवसीय भारत के विभिन्न प्रांतों के आए हुए प्रतिनिधियों की संगठनात्मक परिचर्चा और भारत के ओबीसी एससी एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक और भारतीय किसानों की समस्याओं पर गहरा चिंतन कर विविध प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली द्वारा नागपुर में 3 दिवसीय भारत के विभिन्न प्रांतों के आए हुए प्रतिनिधियों की संगठनात्मक एवं भारत के ओबीसी एससी एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक और भारतीय किसानों की समस्याओं पर गहरा चिंतन कर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें ओबीसी की जातिगत जनगणना हो, देश की कृषि नीति का विरोध हो, एनईपी 2020 को रद्द किया जाए और समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, रिजर्व इन प्राइवेट सेक्टर संगठन के साथ अधिक से अधिक युवाओं और युवती और महिलाओं को जोड़ना है, विषमता मूलक समाज से समानता मूलक समाज का निर्माण करना है, बहुजन युवा युवतियों को सत्य शोधक बनाना है। इसके बाद महात्मा फूले सत्य विद्यापीठ की स्थापना होना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पे की तरफ से केस डालना है, ओबीसी साहित्य सम्मेलन लेना है। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली द्वारा 3 दिन के लिए एमएलए हॉस्टल में एक संगठनात्मक परिचर्चा की गई। उसमें संगठन क्यों सफल नहीं होते हैं, संगठन सफल बनाने के लिए हमारी अपनी क्या भूमिका हो सकती है और संगठन के प्रति मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और संगठन सफल नहीं होते तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, ऐसी चीज़ें ढूंढने का एक सफल प्रयास 3 दिन नागपुर में 17, 18 और 19 अक्टूबर को किया गया। संगठन यह भारतीय स्तर का संगठन है, यह रजिस्टर्ड संगठन है, तो यहाँ पे करीब 7 राज्यों के लोग यहाँ पधारे थे और 60 लोगों ने 3 दिन 25 आवर्स डिस्कशन यहाँ पे किया और संगठन द्वारा कुछ एक्शन प्लान बनाया गया। उस एक्शन प्लान में ओबीसी सहित सारे जातियों की जातिगत जनगणना हो, देश की कृषि नीति, ये जो 3 कानून है उसका हम विरोध कर, साथ ही महामानवों का एक कैलेंडर निकालना चाहिए, मंडल कमीशन पूरी तरह से लागू होना चाहिए, लेबर 2021 को रद्द कर दिया जाए, ओबीसी जोड़ो अभियान चलाना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर मंडल रथ निकालना चाहिए, हमारी अपनी वेबसाइट हो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।